पति की पुण्य स्मृति में पत्नी ने आश्रम में सुंदरकांड का पाठ, गौ माता को सवा मणि लापसी का भोग, रुद्राभिषेक हवन का आयोजन किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज ने योग संन्यास आश्रम धाननी गांव में रोहतक निवासी ओमवती ने पति स्वर्गीय डॉक्टर राजवीर सिंह चहल की 24वीं पुण्य स्मृति में कुछ अलग हटकर धार्मिक कार्य करने की मन में जिज्ञासा हुई। ओमवती देवी ने कहा कि आज ने योग संन्यास आश्रम का नाम बहुत बार टीवी चैनल न्यूज़पेपर में देखने को मिला है, इसलिए मन में जिज्ञासा हुई कि इस बार मेरे पति के पुण्य स्मृति में आश्रम में धार्मिक कार्य करने की मन में मंशा हुई। आज ने योग संन्यास आश्रम में शनिवार को संगीत में सुंदरकांड पाठ, रुद्राभिषेक हवन का आयोजन किया गया। संगीत में सुंदरकांड के पाठ, रुद्राभिषेक हवन का कार्यक्रम स्वामी गोविंद आनंद गिरी महाराज, पंडित प्रदीप पारुल आत्रे, कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में आश्रम संगीत में हो गया। रविवार को सुबह गौशाला में गायों के लिए गौ सवा मणि का आयोजन किया गया। गौ माता को लापसी का भोग लगाया गया। इस अवसर पर राजेंद्र कौशिक भिवानी, संतोष देवी रोहतक, डॉक्टर सतीश शर्मा सालासर, भागीरथ दान धनानी, ओम प्रकाश जागिर, नेमी चंद जाजोद, राजू मिस्त्री, राम बिहारी पुजारी सालासर, राजेश सिंह, लक्ष्मण मनमोहन तिवारी, राजीव मिश्रा, मोदी विश्वविद्यालय, अनेक गौ भक्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय श्री बालाजी की, जय श्री राम। मैं पंडित प्रदीप पारुल आत्रे, आंजनेय योग संन्यास आश्रम जिसके अंदर रात्रि में संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या एवं सुंदरकांड में सबने मिलकर के श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य लीला चरित्रों का गुणगान किया। सुबह है गौशाला के भव्य प्रांगण में गौ माता को गौ सवामणि के स्वरूप में मेवे युक्त लापसी का भोग लगाया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। आचार्य गुरु श्री गोविंदानंद गिरिजी महाराज के पावन सानिध्य में सभी आयोजन संपादित किए गए। गौशाला प्रांगण में गायों की सेवार्थ अनेक अनुष्ठान भी किए गए, जिनमें रतनगढ़ के श्री कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा रुद्राभिषेक एवं पूजन और पाठ का आयोजन करवाया गया। समस्त श्रद्धालुओं ने भावना और भक्ति युक्त होकर के समस्त आयोजन में भाग लिया। हवन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने भावायुक्त होकर के आहुति प्रदान करी एवं गौशाला में गायों के निमित्त अपना अपना यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जय शंकर की। मैं कृष्णानंद महाराज आंजनेय योग संन्यास आश्रम में परम श्रद्धेय गुरुजी स्वामी श्री गोविंदानंद गिरिजी महाराज के पावन सानिध्य में शनिवार की रात्रि में भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। चहल परिवार के द्वारा पुण्य स्मृति के पावन आयोजन पर गौशाला में आंजनेय योग संन्यास आश्रम स्थित गौशाला में गौ माता की सेवा में मेवे युक्त लापसी का भोग गौ माता को लगाया गया। सभी भक्तों ने भक्तिमय अनुष्ठान में उपस्थित होकर के महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में भी भाग लिया। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आंजनेय योग संन्यास आश्रम में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया, हवन कार्य किया गया, यज्ञशाला में यज्ञ विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने आहुति प्रदान करी और गुरुदेव के सानिध्य में रात्रिकालीन सुंदरकांड जागरण भजन भाव का आयोजन किया गया। श्री राजवीर सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनके निमित्त सुंदरकांड का पाठ किया गया एवं रुद्राभिषेक गौओं के लिए गौ सवा मणि
जो दलिया के रूप में हम लोग बना करके उनकी सेवा करते हैं, गाँव की सेवा, मानव सेवा, सभी प्रकार के लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था द्वारा की गई, उनके पुत्र और उनकी पत्नी ही मुख्य रूप से इसमें उन्हीं के द्वारा यह आयोजन किया गया है और आगे भी आशा करते हैं कि इस तरह के अपने कार्य करते रहेंगे। शुभकामनाएं।